मैं रणधीर पांडे, पीजीटी इतिहास, झारखंड। पिछले कक्षा में 12th क्लास का ही जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ईंट मनके और अस्थियां, उसके क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। पहले भी हम लोगों ने इस बात की चर्चा कर ली थी कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जब भी सभ्यताओं की बात आती है तो पुरातत्वेता या इतिहासकार जब भी उनके विषय में जानकारी इकट्ठा करने जाता है तो कुछ बुनियादी समस्याओं से उसे लड़ना पड़ता है। उसमें समस्या एक यही होती है कि उत्खनन के द्वारा जो भी सामग्री प्राप्त होती है उसको समझने के लिए जो भाषागत दिक्कत होती है या टूटे फूटे मात्रा में जो सामग्री प्राप्त होता है, बर्तन, आभूषण, मनके या मिट्टी की बनी मूर्तियाँ इत्यादि, या उससे समय को तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब चर्चाएं हम लोगों ने पिछली बार किया भी था। क्रम को आगे बढ़ाते हुए कृषि प्रौद्योगिकी, ईंट मनके और अस्थियां चैप्टर में जो कृषि प्रौद्योगिकी है, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ, कि इसमें क्या बदलाव आया या क्यों यहाँ की कृषि प्रौद्योगिकी अन्य सभ्यताओं से बेहतर स्थिति में थी, इसकी चर्चा हम करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यताओं में कुछ ऐसे नगर हैं जहाँ कृषि से जुड़े हुए सामग्री प्राप्त हुए हैं, चाहे हल हो, जुता हुआ खेत हो या सिंचाई का साधन हो इत्यादि। यहाँ भी प्रौद्योगिकी का स्पष्ट अर्थ ही होता है कि किसी भी कार्य को सरल तरीके से करना, और जिस उद्देश्य से वो किया जा रहा है उसमें जो भी तकनीक इस्तेमाल किया जा रहा है वो थोड़ा नया हो, नयापन उसमें रहे, इसे ही प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो वही कृषि प्रौद्योगिकी में यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं हम कि मानव जो पाषाण काल में फसलों से या पशुपालन से जो परिचित हुआ था किंचित मात्रा में, वो बहुतायत मात्रा में यहाँ पे हमें सिंधु घाटी सभ्यता में उसका वो अपने जीवन में प्रयोग कर रहा है। कृषि में कई प्रकार के फसल वो उपजा रहा है। प्रौद्योगिकी के तौर पे वो लकड़ी या मिट्टी का बना जो हल बनावली से प्राप्त हुआ है, इससे स्पष्ट है कि वो हल का प्रयोग करना मानव जान रहा था या जान चुका था। कलीबंगा से जुते हुए खेत जो मिले हैं वो स्पष्ट यह द्योतित करते हैं कि फसलों को बोने के लिए जुताई कितना महत्व रखता है, इससे वो परिचित था मानव। तीसरा, जो सोर्तघई अफगानिस्तान है वहाँ से जो सिंचाई के नहर मिले हैं वो यह स्पष्ट भी बताते हैं कि नहर जैसे संसाधन से, नहर की उपयोगिता से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। नहर सब जगह नहीं प्राप्त हुए हैं, सिंध, पंजाब इत्यादि जगहों पे जो भी नगर हैं वहाँ यह नहर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में एक साथ बहुत सारे फसल उपजाए जाते थे और इस तकनीक से भी यहाँ के लोग परिचित थे। तो कृषि प्रौद्योगिकी इस तरह से हम समझेंगे कि हलों का प्रयोग करना ये जानते थे, खेतों को जुताई करके उसमें फसल कैसे बुआई होगी ये भी इससे भी परिचित थे, हल का बहुतायत मात्रा में प्रयोग जान रहे थे, बनावली से का साक्ष्य भी मिला है, एक साथ एक वर्ष में कई फसल उपजाना यह भी जान रहे थे, सिंचाई के लिए प्राकृतिक साधनों के अतिरिक्त नहर बना करके भी इसका प्रयोग करना यह जान रहे थे। अब हम आते हैं मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण योजना एवं उसकी विशेषताएं। भवन वस्तुतः वास्तुकला का एक ऐसा एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है जिसको हम प्राचीन भारतीय इतिहास में देख सकते हैं, और भवन योजना इसकी शुरुआत ही सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भवन तक वास्तुकला सीमित है, और भी प्राचीन भारतीय इतिहास में हमको स्थापत्य कला के उदाहरण हमको मिलेंगे, चाहे वह स्तंभ के रूप में हो, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दीवारें, पिलर के रूप में हो, चाहे अशोक के समय जो पिलर या अशोक के समय जो शिलालेख मिला है, अशोक के समय जो भवन मिला है, या गुप्त काल में जो हमें पिलर मिला है, मेहरौली स्तंभ लेख इत्यादि। बौद्ध धर्म, जैन धर्म के समय में हमें दिखाई देगा कि उससे जुड़ा हुआ स्तूप, चैत्य विहार, ये सभी भी स्थापत्य कला के अंग हैं। मंदिरों का निर्माण, ये भी स्थापत्य कला का अंग है। वास्तुकला को अनूठा बनाने के लिए, विशेष बनाने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है, कारीगर की आवश्यकता होती है, और एक शिल्पकार की आवश्यकता होती है एवं धन की आवश्यकता होती है।
यहाँ भी मोहनजोदड़ो में जो भवन निर्माण किया जा रहा था, या भवनों का जो एक योजना बनाया जा रहा था, उसमें भी बहुत सारी बातें थी जिसको हम क्रम से डिस्कशन करेंगे, उसका विचार करेंगे। पहला जो था कि भवन का जो आधार है वो किस प्रकार से तैयार किया गया था। यहाँ भवन दो तरह से हमको दिखाई देते हैं, एक ऊंचाई स्थान पे जो बनाया गया भवन था वो, दूसरा जो निचला क्षेत्र में जो बनाया गया भवन था वो, वहाँ पे हमें दुर्ग भी दिखाई देता है। भवन हमेशा चबूतरे इत्यादि पे बना करके, चबूतरा इत्यादि उस पे दीवारों का निर्माण किया जाता था, जो नींव होता था वो चबूतरा ही होता था। तो पहली विशेषता यही इसकी हो जाएगी कि हाँ, जो भवन है दो प्रकार से खंड में, दो खंड में बटे हुए थे, निचला शहर और ऊंचा स्तर में बना हुआ शहर। दूसरे यहाँ भवन निर्माण की विशेषता यह थी कि भवन एक कतार में बने हुए थे, जो सामान्य जनता के लिए, सामान्य जनों के लिए बने हुए थे, और वहाँ प्रायः सड़क हमें दिखाई देते हैं जो मुख्य मार्ग से जुड़ा, मुख्य मार्ग से होते हुए एक दूसरे को समकोण में काटता है, ऐसा। या गलियों का निर्माण यहाँ प्रायः दिखाई देता है, जहाँ सघन आबादी रहती है वहाँ। नालियों की यहाँ उचित व्यवस्था थी। नाली का संबंध सड़क से भी है, जिसको हम क्लियर भी करेंगे कि नाली सड़क से कैसे जुड़ा हुआ है। जो मुख्य सड़कें होती थी उसके किनारे किनारे नालियों का निर्माण किया गया था, उसे पत्थर के बने हुए चादर टाइप का, चादर नुमा उसे ढक दिया जाता था, ताकि गंदगी या महामारी इत्यादि ना फैल पाए। इस तरह से सड़क की व्यवस्था की गई थी। सड़क के किनारे चबूतरे भी पाए जाते हैं, जो रोजगार से संबंधित हो, बैठकर दुकान इत्यादि लगाया जाता हो, इससे जुड़ा हुआ था। जो निजी आवास था या आवास गृह था, वो था कि उसके घर में अंदर में एक आंगन हुआ होता था। आंगन की उपयोगिता इसलिए भी होती होगी कि कताई बुनाई इत्यादि से यहाँ के लोग परिचित थे, इस उद्योग से परिचित थे, तो वो आंगन में ही किया करते होंगे, या चूल्हे इत्यादि आंगन में ही मिले हैं, जो खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता होगा, इसके प्रमाण मिले हैं। आंगन से ही लगा हुआ बहुत सारे कमरे होते थे, और उन कमरों का द्वार मुख्यतः आंगन की ओर होता था, और मुख्य द्वार से वो सीधे हम आंगन को नहीं झांक सकते थे, या जो घर के अंदर कमरे बने हुए हैं उसको हम नहीं देख सकते थे, जो यह स्पष्ट बताता है, द्योतित करता है कि एकांत में रहने के लिए, या एकांत या प्राइवेसी क्या होती है, इसका उदाहरण हमें इस घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में हमें दिखाई देता है। एकांत रहने की प्रवृत्ति मानव कैसे पसंद करता है, इसको हम देख करके, या प्राइवेसी क्या होती है। घर से जुड़ा हुआ जो जुड़ी हुई जो नाली होती थी वो मुख्य सड़क के जो नालियों से जुड़ा होता था, ताकि अंदर से यूज किया हुआ जल उसमें आकर के समाहित हो सके, गंदगी को निकाला जा सके। इसके बाद यहाँ दुर्ग का निर्माण किया गया था। दुर्ग वस्तुतः ऊपरी हिस्सा जो होता था वो लकड़ी का बना होता था। दुर्ग सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता होगा, प्राकृतिक आपदा या ऐसा कुछ बाह्य आक्रमण होता उस समय दुर्ग के बहुत उपयोगी रहता होगा। दुर्ग माल गोदाम के रूप में भी अनाजों को इकट्ठा एकत्रित रखने के लिए किया जाता था। यहाँ का जो एक आश्चर्यजनक प्रमाण मिला है, स्नानागार, स्नानागार की योजना, उसका निर्माण, या वो जलाशय किस लिए उपयोगी था, इसकी चर्चा कर हम करेंगे। स्नानागार वस्तुतः सार्वजनिक कार्यों में इस्तेमाल होता होगा, क्योंकि जो गर्म जल और ठंडा जल का जो मिश्रण वहाँ पे है, ये बताता है कि, और बड़े भाग में है, बहुत बड़े जलाशय के रूप में है, इसलिए स्पष्ट बताता है कि ये निजी काम के लिए नहीं होता होगा। उसी परिसर में, जलाशय के परिसर में ही चार चार कमरे बटे हुए थे, वो छोटे छोटे स्नान गृह के रूप में थे। वहाँ पे वस्त्र बदलने के लिए या सफाई को ध्यान में रखते हुए वो छोटे छोटे कमरे बनाए गए होंगे। उससे भी निकल के नालियाँ मुख्य नाली से जुड़ती थी, और उस नाली आकर के फिर सड़क से जुड़ जाता था। उत्तरी और दक्षिणी छोर में सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जिसे जिसका प्रयोग कर करके मानव या उस समय के लोग वहाँ जा करके स्नान इत्यादि करते होंगे, तो यह भी ध्यान रखा गया था। तो इस तरह से हमने मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण की शैली विशेषता, या वो किन योजनाओं पे कार्य करता था, इनमें स्पष्ट समझा। पहला यही कि जो भवन होते थे वो दो भागों में बटे हुए थे। एक तो उच्च वर्ग के लिए अलग प्रकार का भवन होता था, जिसे ऊंचाई स्थान पे बनाया गया था। दूसरा जो निचला शहर था, दुर्ग इत्यादि, आम जनों के लिए जो भवन बनता था वो।
दूसरी विशेषता यहाँ की जो सड़कें और नाली व्यवस्था थी, जो सफाई साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था, चाहे उसका निरंतर वो जो अर्नेस्ट मैके नामक इतिहासकार कहता भी है कि नालियों के कुछ कुछ दूरी पर हौद टाइप का होता था जहाँ से गंदगी आसानी से निकाल करके उसको साफ किया जाता होगा, नालियों को ढक करके रखा जाता था, सड़क के किनारे होता था, फिर भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। यहाँ के निर्माण में ईंटों का, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, इस बात को भी याद रखना है। तीसरी विशेषता जो दुर्ग का निर्माण है किया गया था, दुर्ग किस लिए उपयोगी था मैंने बताया भी है। चौथी विशेषता स्नानागार क्यों फेमस था, स्नानागार की क्या उपयोगिता थी, स्नानागार किस लिए प्रसिद्ध था, कैसे उसको बनाया गया था, उसकी क्या बनावट थी, कैसे उसको चिकना रखने के लिए जिप्सम इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा था ताकि पानी जब रिसाव के द्वारा बाहर न जा सके, सलखेड़ी सेलखड़ी का प्रयोग किया गया था पत्थर का, या वैसा गार बना करके उसको चिकना बनाया गया था इत्यादि। तो ये सारी विशेषताएं जो भवन निर्माण से जुड़ी हुई थी इसको हमने क्लियर कर लिया। अब हम आते हैं कि सामाजिक भिन्नता, जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला बिंदु है, उसको हम समझते हैं कि भिन्नता का सामान्य अर्थ ही होता है कि कैसे अलग है एक दूसरे से, या असमानता कैसे है, अंतर कैसे कर पाएंगे इन बिंदु, ये समझ सकते हैं हम। सामाजिक भिन्नता का यदि हम उसको उसके उसमें प्रवेश करेंगे, उन बिंदुओं को हम विचार करेंगे, विचारेंगे, चिंतन करेंगे, तो देखेंगे कि सामाजिक भिन्नता को उस समय का जो मानव होगा या इतिहास का जब अध्ययन करता होगा तो वो इन इन खंडों में बांट करके इसे सोचता होगा, विचार करता होगा। पहला यह कि रहन सहन कैसा होगा मानव का, जो श्रेष्ठ वर्ग का है वो ऐसा कैसा रहन सहन अपना रखा है, पोशाक उसकी कैसी होती होगी। दूसरा, खान पान में क्या अंतर होगा। तीसरा, आभूषण इत्यादि में क्या अंतर होगा। चौथा, शवाधान, अंत्येष्टि संस्कार करना, या उसमें भी क्या उच्च वर्ग के लोग अलग प्रकार के करते थे, चाहे शवाधान करना, सबको दफनाना, कलश में आंशिक समाधान करना या पूर्ण समाधान समाधान करना, इसके जो साक्ष्य मिले हैं कब्रिस्तान इत्यादि जो हड़प्पा इत्यादि से मिला है, उसमें क्या अंतर देखा जाता होगा कि आम जनता के लिए जो दफनाया जाता होगा या आम जनता के सबके साथ जो व्यवहार किया जाता होगा, उसके लिए जो क्षेत्र निश्चित किया जाता होगा, उसके लिए जो प्रथाएं होंगी, नियम होगा, उसमें क्या अंतर है, इस आधार पर हम समझ पाएंगे कि सामाजिक तौर पर कैसे यहाँ पे भिन्नता कार्य कर रहा था, या भिन्नता का क्या आयाम है, या भिन्नता कहने से हम क्या समझते हैं। तो ये है, इसकी चर्चा हम अगले कक्षा में करेंगे, और कैसे विलासी वस्तुओं के उपयोग के आधार पर भी हम सामाजिक भिन्नता को स्थापित कर पाएंगे इसको हम समझेंगे। धन्यवाद।